हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो माँ बेटी। ये बेटी मुझे सोने नहीं दे रही, खुद भी नहीं सो रही। एक्चुअली मुझे सोना नहीं है आज। आज है संडे, कल ही गुड़ी पड़वा हुआ है और आज संडे आ गया और कल है गणगौर, तो वेदा की पहली गणगौर है। तो मैं सोच रही थी कि वेदा के लिए जो है वो घाघरा बनाया जाए, तो मैं उसका घाघरा स्टिच कर रही हूँ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। सुबह थोड़ा स्टिच किया, अभी थोड़ा स्टिच किया। हाँ, और ये इतनी मस्ती में आई है कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से शाम में मूवी, हम लोगों ने मूवी टिकट बुक कर ली, देखते वेदा कैसे रिएक्ट करेगी उस चीज़ पे। और सोचा फट से मैं अपना कल, क्योंकि कल पूजा रहती है, तो आज मेरे को फल बनाना, नीम की लकड़ियाँ रेडी करना और बहुत सारे काम होते हैं। मैंने बोली अभी सब मैं रेडी कर दूंगी, ये सो जाएगी। जनरली ये दोपहर में सो जाती है, ठीक है। आज देखो, आज ये क्या, आज ये पूरे मस्ती में आई है और सोने का नाम ही नहीं ले रही है। वेदा सो जा ना, सो जा वेदा। नहीं सोगी तो मम्मा कैसे करेगी फिर। घाघरा दिखाती हूँ। मैंने घर पे एक्चुअली मेरे पास ब्लाउज पीस पड़ा था और चाहो तो बहुत चीज़ें मिल जाती है बाजार में, पर मैं चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा सा अपने हाथ से उसके लिए बनाऊँ। तो मैंने ब्लाउज पीस से उसका वो घाघरा बनाया है। घाघरा इन द सेंस ऐसी, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर किधर। इसकी मस्ती कुछ खत्म होने वाली नहीं है। ये घाघरे जैसा मैंने किया है और ये है उसके ऊपर की चुन्नी। बोल, बस इसको ना इसकी मम्मा चाहिए बाजू में। सोना नहीं है, मम्मा को फल भी तो बनाने हैं कल के लिए। हो गई यार, 4:30 महीने की हो गई है और कल उसी तो पूरे ऐसे चावल में हाथ भी धो दिए थे। इसमें उठने की कोशिश कर रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, मतलब ऐसे कुछ कुछ बोलते रहती है। बस इतना अपडेट काफ़ी है। मेन पॉइंट, कल गुड़ी पड़वा था, आज संडे है और आने वाले कल में, मतलब कल की मुझे 4th of April गणगौर, इसका फर्स्ट गणगौर। आज शाम को हम मूवी जाने वाले हैं और देखते हैं मूवी में कितना तहलका मचाती है ये। वैसे चांसेस थोड़े कम हैं, अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी। अभी मैं फल बनाऊँगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कैसे फल बनाते हैं। गुड़ का पानी आटे में डाल के उसकी लोई बना के उसे तलते हैं ऐसे गोल गोल, गुलाब जामुन सॉर्ट ऑफ। और 16 फल बनेंगे, 16 दातून बनेंगे नीम की लकड़ियों के, ऐसे 8-8 के 2 गट्टे 16। और कल दोपहर में पूजा हो गई। ये सो जाए तो थोड़ा मैं कुछ कर लूँ। चलो लेट्स सी, आई विल मीट यू। मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। हाँ सोना है वेदा, सो जाओ। सो जाओ बेटा, करते रहो करते। क्या नया चल रहा है बाप बेटी का पता नहीं, पर भूषण आ चुके हैं। भूषण अब संभालेंगे वेदा को और मैं चली अब फल बनाने। गुड़ का पानी तैयार है, आटे में मोयन डाल चुका है। अब इस पे सिर्फ गुड़ का पानी डाल के आटा लगाऊंगी और बनाऊंगी। ये किस लेवल का प्यार है भाई इन लोगों का। पकड़ के सोई अपने पापा को। बापा बापा, इतना प्यार तो मेरे लिए भी नहीं। फाइनली दोनों सो चुके हैं। ये देखो पकड़ के सोई अपने पापा को। हाय, वेदा अपने सिंजारे के लिए परफेक्टली रेडी है। देखो, पर सिंजारा मतलब गणगौर के एक दिन पहले होता है, जिसमें घर की लड़कियों को मेहंदी लगाते हैं, उनके मनपसंद चीज़ें खाने के लिए देते हैं, कपड़े देते हैं, उनको जो पसंद है वो सब चीज़ें करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वेदा कुछ खा तो सकती नहीं,
क्योंकि उसे 4.5 महीने की है, पर अभी उसको अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहना है। हम जा रहे हैं अभी मॉल और वहाँ जाएंगे, देखेंगे मूवी, हो सकता है अगर टाइम मिले तो शॉपिंग करेंगे। और अब मुझे कमेंट में कोई ये मत बोलना कि इतने छोटी बच्चे को आप मूवी लेके जाते हैं, और सब निगेटिव कमेंट से मेरा कमेंट बॉक्स मत भरना जिस तरीके से आपने ईयर पियर्सिंग के वक्त भरा था। तो कल गनगौर से पहले आज सिंजारा, और फर्स्ट टाइम वेदा जा रही मूवी। हम माँ बेटी हो चुके हैं, परफेक्टली रेडी सिंजारा के लिए, और जा रहे हैं मूवी देखने। विदु आप रेडी हो? रेडियो मूवी के लिए, मूवी के लिए रेडियो वेदा, चलो पहली मूवी है आपकी आरआरआर, ध्यान रखना बड़े होने के बाद भी। ओके बाद आधी मूवी और एंजॉय करना है वेदा। ओके मैं और वेदा और उसके पापा आधी मूवी तो अच्छे से एंजॉय कर लिया, आधी बची है और थोड़ी देर में हम करेंगे। वेदा और पापा ने मूवी एंजॉय किया कि नहीं किया भाई? 11 बज गई आपकी, वेदा ने एंजॉय तो पक्के से किया है, किसी ने किया हो नहीं किया हो? किया ना भाई, इतनी मस्ती मूवी थी, अरे वेदा ने भी कोई हो गया नहीं दिया। वेदा सिंजारा हो गया बेटा आपका कि बच्चा है सिंजारे में कुछ और? खुद का सिंजारा किया क्या इसका बोल के? नहीं नहीं, उसी का सिंजारा था वो तो फर्स्ट टाइम। तेरे को कोई सिंजारा नहीं किया करके खुद का करवा दिया तूने आज? नहीं नहीं, बेटी ने तेरा सिंजारा किया देख। बात तो सही है, वेदा के कारण मेरा सिंजारा हो गया है। 11 बज चुके हैं और वेदा ने पूरी मूवी एंजॉय की, और अभी भी वो शॉपिंग करने के लिए देख रही है। कोई शॉप खुली है तो मम्मा शॉपिंग करवाएगी या पापा शॉपिंग करवाएंगे ना वेदू? मम्मा नहीं देख रही है, वो देख रही है। चलो फॉलो करो दोनों जन मुझे। हेलो गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। वेदा अभी भी रेडी होना बाकी है, देखो पीछे अंगड़ाइयां ले रही है। एक्चुअली हुआ यूँ, अभी बज रहे 11:30, कल रात को हम बहुत लेट आए घर पे 11:30-12 बजे, सोते सोते 1 बज गई तो हम लेट उठे। और वेदा सुबह से रो रही थी रेडी होने के बाद, पता नहीं क्यों, मतलब मैं खुद रेडी होने के बाद, नहा के रेडी होने के बाद वो रो रही थी। अभी तक मेरा सीरा बनाना बचा है, उसके बाद दातुन बनाना बचा है, पूजा माननी बची है, और ये लड़की को तैयार करना बचा है। मैं पहले तैयार हो चुकी हूँ और आपको मैं पसंद आ रही हूँ, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? तो मैं वेदा को थोड़ी देर में रेडी करूँगी और मिलूंगी मैं आपको थोड़ी देर में। हाँ बेटा हाँ, तो चलो ठीक है, मैं उसके तरफ ध्यान देती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय बाय। वेदा सिमरी जान, पापा क्या लाया आपने वेदा के लिए आज, गनगौर है तो?
क्या चाहिए वाह, ये देखो पापा ने वेदा के लिए ईशर जी और गौरा लाई है भाई, देखो कितनी सुंदर है, ये देखो। हाँ ये देखो, मेरे घर ईशर जी गौरा आई है, आई है, देखो कितनी प्यारे ईशर जी और गौरा जी है। वेदा पापा ने देखो आपके लिए ईशर जी गौरा लाई है, कैसी लगी, सुंदर है ना। भूषण अभी अभी आए हैं और वेदा की फर्स्ट गणगौर है, तो उसको यादगार बनाने के लिए उन्होंने लाए हैं ये ईशर जी और गौरा जी। कितने प्यारे ईशर जी और गौरा जी, बहुत सुंदर है। तो हम थोड़ी देर में वेदा को रेडी करके पूजा करने लेके जाऊंगी। मैं भी दातून बना रही थी, दातून बना के मैं रेडी हूँ। अभी मैं उससे पहले बनाऊंगी सीरा बनाने जाती हूँ, फिर पूजा करेंगे हम। माँ बेटी को कल से टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का, तो अभी देखो ये देखो मेहंदी लाकी रे हतमे। क्या करूँ, टाइम ही नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी यही पे पूजा लगेगी। ये मेरा गुबला। देखो विदा हो गई है रेडी। कई भाई साहब, कई करो गणगौर पूजो कई। हाँ जी, विदा सुन चुकी है और अभी हम गणगौर की पूजा स्टार्ट करते हैं। हल्दी, मेहंदी और काजल, ये चार चीज़ें सुहाग की होती है, इसलिए ये चार चीज़ों से हमको लगाना है टिक्की। पार्वती पार्वती ना हर लगवर ना सुनेरा टीका मारा कुकुरा टीका टीका दे एकदम करे आते बात है जरे कट लड़ले लड़ने बिरा लड़ने बिरा अंधियो बिरा ने कटकाए लियो चुनरी अगड़ाए लियो सर मंसूला सात चुला ईशर गौरा मेहंदी भी रहती है देखो। तो यहाँ गणगौर की पूजा हो गई, अभी हम कथा सुनेंगे। भोग मैंने लगा दिया है, वेदा चलो पानी चढ़ा दो। ईशर जी और ये है गौरा जी। ईशर और गौरा माडे घर पधारे हैं। बोलो गौर माता की जय। आज माँ बेटी ने देखो शेम पहना है, ये देखो मम्मा उबीदा शेम। यदि उनके घाघरा तो बता दो सबको। गणगौर की आप सबको शुभकामनाएं। हैप्पी गणगौर। देखो मैंने वेदा क्या कर रही है, झूला झूल रही है भाई। गणगौर की पूजा बहुत अच्छे से हुई, वेदा बीच में सोई थी पर उठ गई।
सबसे अच्छी बात उसके पापा ने उसके फर्स्ट गणगौर के लिए इसर गौरा जिला है। और अब हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे, भूषण भी अभी भूखा है मम्मा के कारण, और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ना।